हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, कैसे हैं? दिलीपा जी, कैसे हैं आप? हाय दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। इतनी लंबी कुड़ी पहली बार देखी है। थैंक यू। क्या बात? मैं इतनी लंबी, मेरे को कभी बुखार नहीं चढ़ता, मालूम है? बुखार सोचते इतना ऊपर कौन चढ़ेगा। दिलर पाजी तो इधर कई बार आ चुके हैं। अच्छा जी। दीदी से भी मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है। आज मैं खास आपसे मिलने आई हूँ सर, बड़ी दूर से। झूठ बोल रही, तो बगल में रहती है। वो क्या, आर्टिस्टों को ऐसा बोलो ना, दूर से मिलने आ रहे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है एफर्ट डाले ले किसी ने आने के लिए, इसीलिए बोली। खैर, मेरे को सर आपको एक और बात बोलनी थी। बोलो जी। दिलेर पाजी ना कप्पू के घर पे हमेशा आते जाते रहते हैं। बात तो बोलो, लेकिन ये फुहारा क्यों छोड़ रहे हो बार बार? ओ सॉरी। हाँ। बात तो बोलो। हाँ जी। हाँ। दिलेर पाजी आपको पता है कप्पू के घर हमेशा आते जाते रहते हैं। हाँ। और दीदी भी हमेशा आती जाती रहती है। हाँ। ये एपिसोड आपकी वजह से हम लोग शूट कर रहे हैं। खैर सलीम जी, जी आप ना मेरे को, मैं इधर से बात करूं चलेगा ना? हाँ जी। हाँ जी। मेरे को ना आप नाला सोपारा में एक दिन के लिए लगेंगे। क्यों लगेंगे ये? अरे उधर ना एक स्कूल खोला था हम लोगों ने। हाँ, उसके अच्छा। मास्टर भाग गए। अच्छा। तो आप मेरे को एज अ मास्टर लगेंगे उधर। मास्टर क्यों भाग गए फिर? अरे बाबा, वो मास्टर ऐसा मास्टर अपनी जिंदगी में नहीं, आप मास्टर सलीम है ना, वो मास्टर सलीम है। इतना सलीम दीदी, अरे यार मैं इतना बारीक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाँ वो वाँ। इतना सिलीम है कि बच्चे लोग उसको बोलते थे ना, मास्टर जी मुझे टॉयलेट जाना है, उंगली के पीछे नजर नहीं आता था, इतना बारीक आदमी। मैं सच्ची बोलती है। खैर उसकी बातें छोड़ो। और रिच दीदी? रिच दीदी क्या है? रिचा दीदी मैं बैंक बैलेंस के हिसाब से बोल रही हूँ ना, बहुत रिच है। अच्छा दीदी, मेरे को ना वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तुनक तुनक तुन। तो तुनक तुनक तुन अच्छा लगा तो दिलेर भाई सामने बैठे उनको बोलो ना फिर। नहीं नहीं, मैं ये बोल रही है अगर दिलेर पाजी का गाना मेरे को पसंद आया है तो ये बात मैं रिचा दीदी को नहीं बोल सकती क्या? बोल सकती है, पर वो सामने बैठे तो उनको बता दो। नहीं नहीं, सामने मतलब क्या है, ऐसा मुंह पे किसी का तारीफ करेंगे अच्छा तो आदमी बिगड़ भी सकता है ना। समझदार। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही, ये बात 20 साल पहले मैंने मेकअप आजी को बोली थी। मैंने बोला आप कितने अच्छे सिंगर हो, देखो बिगड़ गए ना वो, ऐसे ही रहता है। हाँ दिलेर पाजी, आप उनकी शादी करवाओ ना। क्यों नहीं करवाते उनका शादी? वो पूरा मार्केट में बोलते फिरते 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार सिखाऊंगा रे। मैं तो कहती है पाजी आप उनकी शादी करवाओ, 12 महीने में एक तरीके से प्यार करना पड़ेगा, तब पता चलेगा उनको। और वो हमेशा बोलते रहते हैं ना, सावन में लग गई आग, सावन में लग गई आग, शादी करवाओ चूल्हे में आग लगवाओ उनसे। क्या बात है यार, क्या बात है सपना, क्या बात है, कितनी प्यारी, ऐसा लगता है मुंह देखो घोड़ा मेकअप करके आया जैसे। नहीं लेकिन आज मेकअप एक बार फिर अमरीशा दीदी, बचपन से आप गाना गा रहे हैं ना? बिल्कुल। तो आपको पहला पेमेंट 11 रुपया मिला था? जी बिल्कुल। क्या बात है, आपको गाने का 11 रुपया मिला, मेरे को गुनगुनाने का 2000 रुपया मिला था। गुनगुनाने का कैसे पैसा मिला? हाँ मैं ऐसा बांद्रा में जा रही थी, ऐसे चलते गुनगुनाते, ऐसा 2000 का नोट नीचे पड़ा था। हाँ मैंने ना कपो 2000 का नोट उठाया। हाँ। तो मैंने सोचा यार गुनगुनाने का मेरे को 2000 रुपये मिल सकता है, अगर मैं गाना गाना चाहूँ तो मैं कितना कमा सकती हूँ। हाँ इसलिए मैंने अभी प्रैक्टिस चालू कर दी है गाने की। नहीं बांद्रा जाने की। सब बहुत खड़ा होता है। पकड़ा पकड़ा है ना, क्या टाइमिंग है यार। थैंक यू। वो अच्छे लोग आते तो ऐसी मजा आता है, बहुत अच्छा लग रहा है सबके लिए, जोरदार ताली। खैर लेकिन कितना मजा लग रहा है ना आज, कितना अच्छा लग रहा है, एक सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी से बैठ के बातें कर। तू कहाँ से सेलिब्रिटी है? अरे मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको पूरी दुनिया प्यार करती है ना, नाला सुपारा में मेरे को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत वट है। अर्चना जी मैं किधर भी चले जाऊँ ना, नाला सुपारा में किधर भी कोने में,
ऑटो वाले मेरे से एक रुपया नहीं लेता। क्यों? मैं पैदल जाती हूँ ना। ऐसे लेगा पापा? क्या बात, क्या फालतू की बातें कर रही है। सलीम पाजी पहली बार आए, क्या सोचेंगे वो? वो सोचते नहीं, वो बचपन से गाने गा रहे हैं, वो कुछ सोचते नहीं है। हाँ सर, आप बचपन से गा रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ आप छोटे से गा रहे हैं? हाँ जी। पांडे मोटे से गा रहा है, अनूप जी जलोटे से गा रहे हैं, ये अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा है। और कई लोग सुबह सुबह लोटे से गाते मेरे को बता रहा था आपकी 10 साल की उम्र में सर आपका एल्बम आ गया था। हाँ, पहला जी, आपका एल्बम चरखे दी कुक। अच्छा, तो उसके लिए आपको पेमेंट मिली थी कि चॉकलेट टॉफी दी थी उन लोगों ने? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार बचपन में ना इनके गले में ऐसा टॉफी अटक गई थी। अच्छा, ये पूरे स्टूडियो में भागते फिर रहे थे, अरे मेरी पेमेंट फंस गई, मेरे पेमेंट फंस गई, ऐसा बोल रहे थे, इसीलिए बोली। तो इतना कुछ बोल रही, तुझे पता भी है इन सब के बारे में? अरे सब जानती हूँ मैं, तो इतनी फैन हूँ सबकी। हाँ। दिलेर पाजी की भी इतनी फैन। दिलेर पाजी, आप उधर पटना में पैदा हुए थे ना? हाँ, और लेकिन आप बड़े दिल्ली में हुए? नहीं, यूपी बिहार बंगाल। यूपी बिहार बंगाल में, तो पटना में आपको बड़े नहीं होने दे रहे थे क्या वो लोग? नहीं, मेरे को क्या बात है यार, क्या बात, कमाल है सर आपको आपको पता है दीदी, दीदी मैं फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन करती हूँ सर। मुझे बख्श देना। हाँ सर, मैं करती हूँ, ज्योतिषी हूँ। हाँ ज्योतिषी हूँ। अभी देखना, 4-5 सेकंड बाद मैं बोलूंगी मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, देखना। सर आपको मालूम है मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है? देख, मैंने अभी बोला था। खैर मेरा सर पार्लर था सलीम जी इधर, तो मैं अभी भी मसाज करती हूँ। अच्छा। तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी मसाज है मेरे पास, हाफ फ्राई मसाज। हाफ फ्राई मसाज में क्या होता है? हाफ फ्राई मसाज में क्या रहता है, हम कस्टमर को 20 माले की बिल्डिंग के टेरेस पे बुलाते हैं मसाज करने के लिए, लेकिन उसको बोलते हैं देख 6 अंडे लेकर आना। अच्छा। फिर वो जैसे ही नीचे आता है ना, हम लिफ्ट बंद कर देते हैं। अब वो चल के आता है, ऊपर आता है, आता आता है, थक जाता है, हाफ फ्राई हो जाता है। वो जैसे कमरे में आता है ना, वो हाफ फ्राई होता है। मैं बोलती हूँ अरे तो हाफ फ्राई, ये तो हाफ रहा है, इसका मसाज करो। ऐसा हमारा इसमें अंडे का क्या है फिर? अंडा तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। सुच्चा है दीदी। अरे नहीं पीजिए दीदी। ओहो, मेरे पास एक और मसाज है सर, बीन मसाज। बीन मसाज में क्या? बीन होता है ना, जैसे बीन बजाते हैं, वो बीन मसाज है। उसमें क्या होता है? हाँ जी, इसमें कह रहे थे कस्टमर आता है, हम उसको लेटाते हैं। अच्छा। और इतना बड़ा सांप लाते हैं, ठीक है, सांप को हम लोग तेल लगाते हैं, कमरे में मैं उस सांप को छोड़ देती हूँ और बाहर जाके मैं बीन बजाती हूँ। अभी सांप की मर्जी, उसको जिधर मसाज करना है। नहीं मैं सलीम जी, ये बहुत अच्छी मसाज है, इसमें डिटॉक्स भी होता है। कितने कस्टमर लोग झाग छोड़ के जाते हैं मुंह से, मालूम है उधर? बहुत अच्छी मसाज है, कभी भी आइएगा। खैर मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। एक बार ना, चलो ये तो सपना बन के आती है, लेकिन एक बार कृष्णा के लिए जोरदार ताली। सर थैंक यू वेरी मच, जब भी डालूंगा। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच, क्या बात है, इतने बड़े बड़े सिंगर आए हुए हैं। कपूर शर्मा, बड़े बड़े सिंगर आए, तू अपना मंजीरे जैसा मुंह लेके आज ही आना था तेरे को। भाई तुझे गलत क्या, उन्होंने मंजीरे अर्गा मुंह नहीं है, किधर वाला शहनाई अर्गा यार। हेलो दिलेर पाजी। हेलो ऋचा दीदी। दीदी क्या होता है, मैडम बोल। अच्छा उस हिसाब से मेरे को ये बता दो कि उनको मास्टर सलीम कहना है कि प्रिंसिपल सलीम कहना है? नाउ आई एम डॉक्टर मास्टर सलीम। ओह ये, ये भी मरीज है, ऐसे नहीं है। हाँ। आप इधर हमारे शो में पहली बार आए, ये बताइए कुछ खाया पिया आपने? ये पूछ तो, जो आपने खाया पिया उसमें से कुछ बचा मेरे लिए, ये पूछ। उल्टी बातें मत पूछ। ये ने मेरा यार स्टाइल है एक वेलकम करने का। वैसे भी तुम्हारे इधर काजू बादाम पड़े होते हैं, तुमने कभी मुझसे पूछे हैं?
तुमने पहले कभी खाए? अगर रिएक्शन कर गए तो बादाम खाने इसमें। एक दिन मैंने 4 बादाम खिलाए, कहता मेरे को 7 पीढ़ियों की याददाश्त वापिस आ गई। इसकी दादी ने एक रात 4 बादाम भिगो के रख दिए, दादा सारी रात पहरा देता रहा, जागते रहो कोई खा ना जाए। जा यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी आज। ना ना कपूर शर्मा, मुंबई आके इसकी ग्रोथ के नाम पे सिर्फ उम्र बढ़ी है, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ग्रोथ के नाम पर क्या मेरे 4 पैर निकल आते, 2 सर निकल आते? कपूर शर्मा मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे इतने दिग्गज सिंगर है ना, ये पंजाब की देन है, वैसे ये चंदू भी पंजाब की देन है। देन दून कोई नहीं है। क्या हो, मैं पंजाब की नहीं हूँ, हरियाणा की हूँ, फरीदाबाद। और ये भी पंजाब की देन नहीं है, ये पंजाब वालों ने बाहर फेंका था, मुझे हरियाणा बॉर्डर पे मिला ये। सीरियसली आपको पता, सारा पंजाब ना अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे सोनी टीवी को भेजता है। क्यों? कि इसका ध्यान रखो, इसको कोई कमी ना आने, कहीं वापस ना आ जाए पंजाब, ये है इसके हालात। नहीं नहीं पाजी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरी परफॉर्मेंस से खुश होकर मेरे को प्राइज मनी भेजते रहते हैं, ये ऐसी बातें करते हैं। जो लोगों ने भेजा वो तो मैं दिखा ही नहीं सकता नेशनल टीवी पे। प्राइज मनी कहाँ जाती है? कपड़े क्या पहन रखे तुमने? ये पहना था मेरे, असली तो उतरवा देता पीछे ये। मेरे फेस पे चाम बहुत है, लड़कियां मुझ पे मरती बहुत है पाजी, किसी से वगैरह भेजती रहती हैं, इसलिए वो ये दिखा नहीं सकता। एक ना कुंजल होता है जो योगा में करते हैं ना, इधर से पानी खींच के इधर, तो ये सैनिटाइजर डाल, इधर से इधर निकाल, दिमाग सैनिटाइज कर, तेरी जो सोच है ना ये फैलनी नहीं चाहिए, ये यहीं के यहीं मर जानी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, चलो क्या बात है, गेस्ट को परेशान कर रहा है। ऐसे नहीं, मैंने जाना, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई। दिलेर पाजी मेरी बात सुनिए, बीइंग ए पंजाबी, मैं भी ना पंजाबी आर्टिस्टों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पहले अपने लिए तो कुछ कर ले। यार बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं चाहता हूँ कि मैं पंजाबी आर्टिस्टों के लिए एक यूनिवर्सिटी खोलूं। चलो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग सुना दे। यार मेरी बात सुनो, स्पेलिंगों के हिसाब से चीजें खुलती ना तो चीकोस्लोवाकिया नाम का देश ना बनता। चीकोस्लोवाकिया नहीं, चेकोस्लोवाकिया। तो तुम कोई भी वाक्य हो तुम भी स्पेलिंग के साथ बताओ ना। पक्का? जब पक्का। रहने दे, मैं नहीं चाहता तेरी बेइज्जती हो। ओके सुनो फिर, CZECHOSLOVAKIA। अब बता। कपिल डैम गुड यार। खैर पाजी मेरी बात सुन, अंदर की बात ये बंदा मुझसे करता है जेलसी। अच्छा ना, कितनी की? बहुत ज्यादा करता है ये बंदा। होई होई। आपने 3 Idiots मूवी देखी होगी, उसमें डायलॉग था ना कि अगर दोस्त पीछे रह जाए तो तकलीफ होती है, और दोस्त अगर आगे बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ तो मेरे को सच्ची में होती है। अब हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं ना अपनी गाड़ी में बैठे बैठे, ये सडनली आता है, लकड़ी की इसने कार बनाई हुई है, यूं करके पता ऐसे निकल जाता है ये, मतलब हद है। वो कल मैंने देखा ट्रक के नीचे चीकू आ गया, एक सेम तेरे जैसा लग रहा था। काम की बात कर फटाफट, और चलो फटाफट। रिचर्ड जी मेरी बात सुनो, मैं अकेला नहीं ये यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ, मेरे साथ मेरे इन्वेस्टर्स भी रेडी हैं। कौन है तेरे इन्वेस्टर्स? क्या है? हाय हाय, सलीम जी नमस्ते, नमस्ते तलेर जी, पर पे नहीं। नहीं 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 नहीं, क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। मुझे लगता है दुनिया में तू बहुत ज्यादा पहले आ गई है, थोड़ा लेट आती तो हमारा अच्छा म्यूजिक वाला माहौल बना हुआ था। क्या जरूरत थी तुम दोनों की आने की? खबरदार कपूर शर्मा, अगर मेरी होने वाली इन्वेस्टर के बारे में कोई बात की तो। अच्छा, तो ये है इन्वेस्टमेंट? ओह माय, आपके इतने बुरे दिन आ गए। ऋचा दीदी मेरी बात तो सुन लो, मैं इंट्रोड्यूस तो करवा दूं पहले अच्छे से। अच्छा बोलो। शी इज मिसेस भूरी चंदू। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ अपना नाम जोड़ने की? अच्छा देखो, डांटती बीवियों की तरह है, लेकिन नाम जोड़ने में ये तिलमिला उठती है। दिलेर भाई यही मेरी इन्वेस्टर है। अच्छा हाँ। ये कल तक तो सोनी की पैसा वेस्टर थी, ये आज इन्वेस्टर हो गई। पैसा वेस्टर। कल मैंने देखा, कल एक बेचारा मांगने वाला बैठा हुआ था, उसके पास जाके बैठ के कहती देखो अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, सब एक समान होते हैं, हमें मिल बांट के खाना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। उसकी बिरयानी खा गई है। बुरी, तुम 2 दिन और भिखारी का खाना ना खाती, मैंने तुम्हें इधर इन्वेस्टर साबित कर देना था। ऋचा जी ये लोग ना कुछ भी बातें बना रहे, ये देखिए होटल चिल पैलेस मेरा होटल है, पूरे एरिया में
मेरा होटल जाना माना है। कोई जाना माना नहीं तेरे, जाना माना मैं बता रहा हूँ, कोई गंदे तौलिए सफेद रंग के, कोई कस्टमर कहता गंदे के नो, इट्स मड वाइट यू नो। बुरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? क्या? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, ये ओए होए 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 के दम पे 5 मिनट सरवाइव करने वाले आर्टिस्ट, तुम चुप रहो। क्या बात है? Yes, yes, yes. That's it. अब बोलो। शाबाश, 9 साल हो गए तुझे। बोली। आज पहली लाइन तूने मजेदार बोली है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जिनकी खुद की दाल रोटी ना एक्सक्यूज मी के सर पे चल रही हो ना, वो दूसरों के ओए होए पे ध्यान नहीं रखते। सलीम जी, ये ना इसकी बकवास बातें बिल्कुल खत्म नहीं होगी। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी सिंगिंग इतनी पसंद है, जब भी आपका गाना सुनती हूँ झूम उठती हूँ। झूठ बोलती है पाजी, झूठ बोलती है। ओ, स्टीरियो तुम्हारे घर में आने, गाना कहाँ सुनती, वाटर कूलर में? हेलो सोनी टीवी, हाँ यहाँ पे मदारी को बोलो अपना बंदर उठाए और निकले यहाँ से। एक सिंह, तुमको कितनी बार बोला है चंदू मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। कहाँ मैं, कहाँ तुम? Exactly. कहाँ तुम, तो ऐसे बात कर रही हो जैसे अडानी इंडस्ट्री का आधे शेयर की मालकिन ये है। अब बुरी, ना तुम कहीं पे हो ना मैं कहीं पे हूँ, हम दोनों यहीं पे हैं। 36 के 36 गुण मिलते हैं हमारे। पिताजी तेरे तेरे से मिलते नहीं और 36 गुण तेरे मिलते हैं। वाह, जा यार। कपू, तुम्हारे दिल में अगर मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है ना, तो आज अपने दोस्त को मुंह तोड़ जवाब दो, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूँगा। देखो खबरदार, इसका मुंह तोड़ा, ये जुड़ा हुआ इतना गंदा लगता है, तोड़ देगी तो क्या लगेगा। आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना? हाँ सब बताओ बताओ। हाँ कोई बोलेगा नहीं मैं पैदा होने वाला हूँ, कोई बोलेगा नहीं। चलो करो पैदा, मुझे करो फटाफट करो करो। अच्छा मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसमें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। ये जब पैदा हुआ ना? हाँ हाँ मैं पैदा हुआ, फिर बधाई मांगने वाले आए। फिर मैं पैदा हुआ फिर। अगर ये मैं करना शुरू कर दिया ना फिर देख ली, ये आए जैसे ही पहुंचे ना सेम टाइम पे मुर्गी ने अंडा दे दिया। तो बधाई मांगने वाले इनका मुंह देखा, वो मुर्गी के पास चले गए, कहते आप ही दे दो, उनके तो कुछ खास हुआ नहीं। वेरी गुड, बहुत काम खराब है पाजी। पाजी जब ये पैदा हुआ इनके घर वाले मुर्गी के पास चले गए, कहते मुर्गी बहन जी इससे पहले कि बधाई मांगने वाले आ जाएं, आप अपने अंडे के साथ हमारा बच्चा एक्सचेंज कर लेंगी। मुर्गी ने चोंच मार मार कर बता कर झूठ बोल रहा है, ऐसे कभी होता है? आपको पता है जिस डॉक्टर ने इसकी डिलीवरी कराई उसने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। क्यों? चला गया युगांडा चला गया, कहता यार मैंने नहीं ये पाप लेना अपने सर पे। जिस दिन पैदा हुआ पूरा दिन पंजाब में बारिश हुई, भगवान को पता था इसको धोने में पानी नहीं कम पड़ना चाहिए। ये हुआ इसका हालात। जब ये पैदा हुआ, पैदा होते ही ये न्यूबॉर्न बेबीज के पास जाके मांगने लग गया। और जब ये पैदा हुई पाजी, इसकी मम्मी ने इसके पापा की क्लास ले ली, कहती इधर आओ कान पकड़ दो इधर। कहने तुम क्या कर रहे, शादी के बाद कुछ करना कुछ करना, ये काम कर रहा था तुमने? हो गए तुम दोनों पैदा। तुम्हें ने किए, तुम्हें पता होगा मैंने किया। ये इल्जाम मेरे सर पे मत डाल। तुम भी कर रहे हो, तुम भी कर रहे हो इधर पैदा। कुछ है तुम लोगों का बोलने का? है, एक लाइन बची हुई है। चल बुरी। क्या बात है, वाह अच्छे। जब ये पैदा हुआ, हाँ जी, इसकी मम्मी को नौकरी से निकाल दिया। फिर कहते बच्चों के डायपर चुराती हो, मार दे लो। 3 महीने की बाजी, 3 महीने की सजा इसकी मम्मी को नहीं की हुई थी, बताओ। चंदू तुम्हारे लिए सारे इन्वेस्टमेंट्स डील्स सब कैंसिल। मेरी बात तो सुनो बुरी। नहीं सुनो मेरी बात, सुनो कैंसिल। और मेरी बात कैंसिल। वो गई ना वो चुपचाप, मैं भी चुपचाप जा रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे बीच में? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती। चलो ओके बाजी, ओके बाजी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.